अब ट्रैफिक कानून तोड़ा तो देना होगा 10 गुना जुर्माना। जेल जाने तक की नौबत आ सकती है क्योंकि नए कानून पर अमल शुरू हो गया है। नए कानून के लागू होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही खास तैयारी कर ली थी। कैलेंडर बदलते ही एक्शन शुरू हो गया। सुबह होते होते सड़कों पर और असर दिखने लगा। वैसे तो रविवार के दिन अमूमन गाड़ियों की आवाजाही कम होती है, फिर भी पुलिस मुस्तैद दिखी। अलग अलग इलाकों में कई गाड़ियों के चालान काटे गए। ना जो चालान पैसा हुआ है, दिक्कत होगी? सर दिक्कत होगी, इतना तो 2 महीना हम नहीं कमाते, वो एक दिन में चालान हो गया। आज बारिश में वर्दी भींग गया था सर, धो के दिए थे सूखने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा गलती हो गया। बिना हेलमेट के पहले 100 रूपए और 300 रूपए का चालान था, जो अब बढ़कर 1500 तक हो गया। बगैर लाइसेंस के पकड़े गए तो 500 की जगह 5000 रूपए भरने पड़ेंगे। ओवर स्पीड पर 400 की बजाय 1000 से 2000 तक जुर्माना लगेगा। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर पहले 1000 रूपए जुर्माने का प्रावधान था, अब 5000 रूपए देने पड़ेंगे। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने पर पहले 1100 रूपए लगने वाला जुर्माना अब 5000 हो गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000 जुर्माना लगेगा, जो पहले 2000 था। रेड लाइट तोड़ने पर पहले 100 रूपए लगते थे, अब 1000 से 5000 तक लगेगा। वहीं इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रूपए का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनके खिलाफ उनके गाड़ियों का चालान किया जा रहा है और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि आज से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है, जिसके तहत चालान की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। मुंबई में भी पहले दिन कई गाड़ियों के चालान काटे गए। अगर आप बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं तो पहले 200 रुपया जो फाइन था, अब वो 1000 रुपए तक कर दिया गया है। वहीं ड्रंक एंड ड्राइव का जो आप कह सकते हैं ऑफेंस है, उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है पहली बार और 10000 रुपया जुर्माना है। अगर यही ऑफेंस ड्रिंक एंड ड्राइव का आप दोबारा करते हैं तो ये फाइन अमाउंट 15000 तक जा सकता है और जेल टर्म 2 साल तक हो सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून में बदलाव को मानने से इनकार कर दिया है।